दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप पेन ड्राइव का आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह पर अपना इमेज कैसे लगा सकते हैं। इसकी तरह जैसे मैंने यहाँ पर मोदी का फ़ोटो सेट किया हुआ है, आप यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी का भी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक फ़ोटो की ज़रूरत है। आप चाहे अपना फ़ोटो लगाएं या कोई डाउनलोड करके लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोई डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सलमान खान का, ठीक है? चलिए, मैं सलमान का लगा रहा हूँ अभी। मैं यदि आपके पास फ़ोटो है अपना, तो आप अपना लगा सकते हैं या कोई भी इमेज वहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, मैं फ़ोटो लगा करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, ठीक है? ओके, ये फोटो नहीं होगा। चलिए चलिए, ये वाला फोटो लगाते हैं हम, ठीक है? तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, ठीक है? तो दोस्तों, ये आ गया मेरा फ़ोटो, ठीक है? डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। अब मैं इसको रीनेम करूँगा, आप जो चाहे इसका नाम रख सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर सलमान रख देता हूँ, ठीक है? सलमान, मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप अपने माउस को राइट क्लिक करें, ठीक है? और यहाँ पर ओपन विद करें, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, पेंट में इसे ओपन कर लें। जैसे यहाँ पर से पेंट में ओपन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर क्लिक करें फाइल पर, और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करें, और आपको यहाँ पर BMP पिक्चर में सेव करना है इसको, ठीक है? तो यहाँ पर नाम तो हमारा सलमान आ रहा है, बस आप सीधा सा सेव कर दें, ठीक है? तो दोस्तों, ये सेव हो गया है। ये हमारा वो फ़ोटो है जो हमने डाउनलोड करा था ऊपर वाला, और ये हमारा BMP फॉर्मेट में सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं BMP फॉर्मेट है, ठीक है? अब हमें डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है? तो इसे आप ओपन कर लें। जैसे यहाँ पर ओपन होता है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ब्रैकेट ऑटो रन, इसको ब्रैकेट को बंद कर दें, एंटर प्रेस करें, और यहाँ पर आपको टाइप करना है आइकन बराबर। अब आइकन का नाम जो आपने लिखा है, मतलब जो फ़ोटो का नाम आपने डाला है, मैंने डाला है सलमान, ठीक है? ये डाल दिया, डॉट लगाएंगे यहाँ पर, और जो एक्सटेंशन है, मतलब जो हमें फ़ोटो में सेव करा है BMP में, तो वो यहाँ पर टाइप करेंगे BMP, ठीक है? अब इसे हम फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऊपर में यहाँ पर लिखना है हमें ऑटो रन, ठीक है? डॉट INF, ठीक है? यहाँ हमें अपने नाम, जो नाम डालना है हमें, ये डालना है ऑटो रन डॉट INF, और यहाँ पर ऑल फाइल पर क्लिक कर लें और यहाँ पर सेव कर दें, ठीक है? तो आपका ये है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब आपका ये सेव हो चुका है, देखिए, ठीक है? ये रहा हमारा सेव हुआ, और ये रहा हमारा फोटोज़, ठीक है? अब हम ये कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम अपने, ये पेन ड्राइव है हमारी, ठीक है? इसमें देखिए अभी कोई फ़ोटो नहीं आ रहा है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने ये पेस्ट कर दिया है, और मैं PC पर आ जाता हूँ, तो देखिए अभी कोई फ़ोटो नहीं आ रहा है। फ़िलहाल मैं इसको हटा करके फिर से लगाऊंगा, अपने लैपटॉप से रिमूव करके फिर से लगा रहा हूँ मैं, देखिए। तो देखते हैं फ़ोटो आता है कि नहीं आता है सलमान खान का, ठीक है? तो दोस्तों, ये देखिए सलमान खान का फ़ोटो आ गया। चलिए, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ।
तो आपको ये फाइल दोनों दिखाई दे रही होगी जो मैंने मैंने कॉपी करी है। इसे चाहे आप हाइड कर सकते हैं, इन दोनों को क्लिक करें, प्रॉपर्टी पर आ जाएं और यहाँ पर हाइड पर क्लिक कर दें, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करें और ओके करें तो ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हाइड नहीं करना चाहता, यदि आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते, मत करें। ऐसे आप किसी भी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव का आइकन चेंज कर सकते हैं, उसमें अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। आप चाहे इसे किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करें, ये फ़ोटो आपको वहाँ पर नज़र आएगा आएगा। ठीक है, ये रिमूव नहीं होगा, ये रिमूव तभी होगा जब आप यहाँ से ये दोनों फाइल ऑटो रन और ये इमेज की फाइल यहाँ से डिलीट करेंगे। ठीक है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा आपका फ़ोटो। ठीक है, तो ये देखिए अभी आ रहा है, मैं मेमोरी कार्ड अपना लगा करके हटा रहा हूँ, अपना पेन ड्राइव लगा करके फिर से लगाऊंगा अपने लैपटॉप में, तो ये है हटा हुआ हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ अभी मैं अपना कार्ड, तो देखिए दोस्तों वो मैंने डिलीट करा तो यहाँ से भी वो डिलीट हो गया है। ऐसे आप कोई भी मेमोरी में या पेन ड्राइव में अपना फ़ोटो आइकन की जगह पर सेट कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।